सबके डिमांड पे जो है अब हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ्स मैंने जो है शुरू कर दिया है। और मैथ्स जो है बहुत ही मैं अभी छोटा कर देता हूँ उसको स्क्रीन को, और आप जो देख सकते हो कि पूरी प्योर पीडीएफ है। इसमें जो है हम लोग 2019 से लेके 2024 तक का जो है, 2019 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन को जो हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। और बहुत ही डिमांडिंग ये बेस्ट था बुक था, और इसकी पीडीएफ जो है मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना होगा मेरे नंबर पे 70 70 49 44 76, या एडिटो स्टडी वाइंस टेलीग्राम में लिख के सर्च करना होगा। आपको मेरी आईडी मिल जाएगी और आप वहाँ पे जो है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चारों बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, चार बुक की। ठीक है, और थोड़े से नॉमिनल चार्जेस लेंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, तो आप जो है परचेज़ कर सकते हो। आज जो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि हमें शुरू क्या करना है। तो पीडीएफ देखो कितना क्रिस्टल एंड क्लियर है पीडीएफ। पीडीएफ में एक प्रकार की कोई जो है क्वालिटी में कोई 1% जो है खराबी नहीं मिलेगी। आज जो है हम लोग संख्या पद्धति को जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, यानी कि इसको बोलेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को हम लोग शुरू करने वाले हैं, और डेली जो है टारगेट रखेंगे 20 क्वेश्चन, और जल्दी से जल्दी 3 से 4 क्वेश्चन क्लास में हम लोग उड़ा दिया करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर को तो मैं बहुत फास्ट रिवीजन करूँगा। और ये देखो जैसे कि हमारा जो है संख्या पद्धति शुरू हो चुका है यहाँ से, और यहाँ जो है टाइप वाइज, और टाइप में क्या पहले में क्या है कि फेस वैल्यू एंड प्लेसेस, फेस वैल्यू एंड प्लेसेस। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिखना चाहिए और वो हमारा बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग पहले के सॉल्यूशन करने चलते हैं अब, और हमें स्थानीय मान निकालना है इसका। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि संख्या जो है 3 2 9 4 0 1 में 9 अंक 9 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच जो है हमें अंतर बताना है। तो 9 का जातीय मान कितना होता है, पहली बात तो हमें लिखना है 9 का जातीय मान जो होता है वो 9 ही होता है। किसी का भी जातीय मान वो उतना ही होता है। ठीक है, पहली बात हमें ये याद रखना है। तो अब इसका स्थानीय मान देखना है। अब 3 2 9 4 0 1 में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का जो है स्थानीय मान हमें देखना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया। अब हम लोग जो है इसको 9 को एज इट इज़ उतार लेंगे। 9 को उतार लिया, उसके बाद देखो कितने अक्षर बच गए, 1 2 3, तो हमें उतना जो है 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये आ गया उसका स्थानीय मान। ठीक है, ये क्या आ गया इसका स्थानीय मान, और ये क्या आ गया इसका जातीय मान। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी अंक का जातीय मान वही होता है कुल खुद अपना, यानी 9 का जातीय मान 9, 10 का जातीय मान 10। अब इसमें जो है हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हमें देखना है कि कहाँ पे 9 का निकालना है, तो 9 का 9 ले लिया। उसके बाद देखते हैं कितना अंक बचा, 3, 3 ले लेंगे। अब हमें इसे क्या पूछा है इसका, हमें इसका अंतर पूछा है। ठीक है, अंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, अंतर निकालने के लिए हमें जो है 9000 में से 9 को घटा देंगे, और हमारे पास आंसर जो है वो 8 9 9 1 जो है आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए जो है ऑप्शन नंबर ए वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग दूसरे का क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, धुंधला क्यों गया यार कैमरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है कि 4392.1768 में 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो हमें स्थानीय मान का अंतर बताना है, यानी कि यह वाला काम करना है जो हम लोगों ने पहले इसमें किया था। ठीक है, कितना 0 है उतना लिख देंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो अक्षर बोला है, और हमें बोला है वो 4392.1768। ठीक है, कहाँ चला गया, तो चल भाई चल मेरे यार। तो हमें जो बोला था इतने में जो है हमें निकालना है। पहले तो बोला इसने कि 3 का 3 कहाँ है, यहाँ है, 3 को यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 3। उसके बाद कितना अंक बच गया, 2, तो 2 0 दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और अंतर पूछा ना माइनस, 7 में कहाँ है, 7 का कितना है, यहाँ है। देखो अब पॉइंट के बाद आ गया,
अब देखो पॉइंट के बाद जो आएगा ना उसमें हमें उल्टा लिखना है। क्या लिखना है कि कितना के बाद, तो यहाँ पे एक है जीरो जीरो पॉइंट, अब 07 हमें लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद जो है आपका एक अंक है तो 10 देंगे और 7 देंगे। पॉइंट के बाद जो है ऐसे चलता है, ठीक है, और बाकी ये ऐसा चलता है, हमें ऐसे ध्यान देना है। तो इन्हें अगर घटाएंगे, अगर इन्हें हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 299.93, अगर इन दोनों को घटाएंगे हम तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से? तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, स्थानीय मान जातीय मान। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2079, पहले इसको लिख लेते हैं क्या लिखा है, 2079.16385। मैं 7 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान का योग बताना है। तो 7 का स्थानीय मान ये है, तो उधर है पॉइंट, पॉइंट उधर है तो उधर जाएगा, तो 7 में के बाद कितना है, एक बैठा हुआ है, जोड़ बताना है। 8 पूछा है, 8, 8 के इधर कितना जीरो है, 3, मतलब कितना जीरो आएगा, 3। क्यों? क्योंकि उल्टा चलेंगे तो पॉइंट है तो उसकी तरफ चलेंगे हम लोग, तो 3 0 दे दो पहले, तो 0.0 कर दो, पॉइंट पॉइंट 0 0 0 आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, वैसे फिर भी कर लो, पॉइंट 1 2 3, यानी 3 0 आएगा, फिर जाके 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70.0008 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 70.008 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है सभी को हम लोग करेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं पुराने वाले को, और फिर हम लोग जो है अगला बनाते हैं। एक हमारा टाइप ख़त्म हो गया, हम लोग जो है टाइप टू में जंप कर गए, हम लोग जो है टाइप टू में जंप कर गए। अब देखो आपके डिमांड पे जो है हम इसका भी सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। आपको जो है सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। तो 4 का जो है हम लोग आंसर करने चल रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा है आपको 4 ने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से जो है विभाजित होगी। ठीक है, किससे? 11 से विभाजित होगी, और 11 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि पहला और जो है एक छोड़ के एक को जो है चेक करो, अगर अगर घटाने पे 11 या फिर 0 आता है तो आंसर हो जाएगा वो। तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं, 9 1 6 4 चेक करेंगे इसको, तो घटाइए इसको, इससे घटाइए इसको, इससे घटाइए। ठीक है, तो हमारे 6 गया तो 3 गया 2, तो कितना बचा, 1। ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, एक के बाद एक वाले को हम लोग घटाएंगे। तो चलिए हम लोग अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर, किसको चेक करें, किसको चेक करें, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं आपका 65 और 89 को। तो इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो हमें 6 में से 8 घटाने पे क्या मिलता है, सॉरी जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ेंगे और जोड़ के जो है जो आएगा उसको घटा देंगे, जोड़ेंगे, 9 6 15 माइनस 1 5, तो ये कितना आ गया, 10 नहीं, 8 6 14 माइनस 5 9 14 आ गया 0। यानी अल्टरनेट को जोड़ेंगे और घटा देंगे, अल्टरनेट को जोड़ेंगे घटा देंगे, 11 आया या फिर 0, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। चलो अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 9 से विभाज्यता कौन है, 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। तो 9 का जो है विभाज्यता नियम, पाँचवा क्वेश्चन सॉरी, 9 का जो विभाज्यता नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है चेक कर लो सबको जोड़ के, 3 6 5 8, 3 6 5 8 कितना होता है, 22, 22 विभाज्य नहीं है तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बी, 3 7 3 7 8 9, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विभाज्य नहीं है तो पहले नहीं है, ए ही नहीं है, बाकी तो सब विभाज्य हो रहा है, ए ही ऑप्शन इसका जो है विभाज्य नहीं हो रहा, क्योंकि 3 6 5 8 22 होता है, 22 जो है 900 विभाजित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो है ए की है, ए जो है एक करेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब चलते हैं छठवा नंबर पे, किस पे, छठा नंबर पे, छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो सेम तरीके से आपको चेक करना है जो मैंने बताया था कि जो तो नहीं होगा, तो मुझे तो इसमें लग रहा है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि 2 7 और 6 और 3 क्या बोलते हैं, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, 6 2 8 और घटा देना है 7 3 10 से, नहीं माइनस का 2 आया, नहीं होगा, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो है डी ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो चलिए सातवां सातवां देखते हैं। सातवां क्या कहता है? सारा सारा विभाज्यता का नियम पूछ दिया। निम्नलिखित में से कौन आठ से विभाज्य है? आठ का विभाजित नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आठ से जो है विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि अंतिम कौन सा जो है तीन अंक जो है विभाजित होता है आठ से, तो 32 होता है। हाँ 32 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें बोले क्वेश्चन पूछा है कि विभाजित नहीं है, तो 32 होता है। 968 पाँच, देखिए पाँचों क्वेश्चन में लास्ट में है 968, 968 को करके देखिए तो ये भी होता है। ठीक है, अब देखिए 896 को, 896 को भाग दीजिए 8 से, 896 को एक बारी में दो बारी में, ये भी जा रहा है। तो हमें डी चेक करना है, 6044 को 8 जाता है, 8 5 40 अड़ची करता, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो सही करेक्ट आंसर है। तो बाकी के सबके जो है ऑप्शन के अंतिम के तीन अंक जो है 8 से विभाजित हो रहे हैं, बाकी डी जो है विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट देखते हैं, नवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अठवा नंबर सॉरी, आठवां नंबर देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य है, और चार का विभाज्य का नियम क्या कहता है? चार का विभाज्य नियम कहता है कि अंतिम अंतिम के दो अंक जो चार से विभाजित होना चाहिए। चार का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम के जो है दो अंक चार से विभाजित होना चाहिए। आप चेक कर लो, 42 है, बिल्कुल नहीं है, 4 2 40 4 44 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं है, एक नंबर, 70 है, 4 कम 4 बचा 3, 30 30 नहीं आता है, नहीं होगा, 34 है, नहीं ये 34 भी नहीं होगा, 48 है, हाँ 48 है लास्ट का, डी नंबर जो है, डी नंबर ऑप्शन में जो है आपका ये है। तो 4 1 4 4 2 8 12 बारी में चल जाता है 48, तो लास्ट का दो अंक कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नवा क्वेश्चन कहता क्या है। नवा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे हम लोग जो है पूरा पूरा बुक को, कब ख़त्म कर देंगे हम लोग। नवा क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 24 से विभाजित होगा। अब आपको पता है कि 8 से जो विभाजित होगा वो 24 से विभाजित होगा, क्योंकि 24 क्या है, 24 क्या है, 8 कमर 8 16, 8 24, यानी वो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें 8 से चेक करेंगे, 8 से कौन कौन कट रहा है, 8 से कौन कौन कट रहा है। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम का तीन, अंतिम अंतिम तीन, अंतिम तीन कटना चाहिए, अंतिम का तीन जो है वो कटना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है सबको एक बार चेक करेंगे, और हमारे जो है कटने पे पूरा जो है शेषफल जो है 0 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि 940 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी का 458 भी नहीं कटेगा, और 2856 ये कट सकता है, 2856 8 से काट के देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी लास्ट का हमें चाहिए ना, लास्ट का 8 कम 8 8 256 17 बारी में कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, या फिर वो 8 से कटना चाहिए या फिर वो 3 से कटना चाहिए, तभी वो 24 से कटेगा। यानी ये जो 24 से 8 कट रहा है, तो इसको चेक करना एक बार, चेक करना एक बार 856 को, ये 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, और ये 6 बारी में ख़त्म हो रहा है, ये 3 बारी में ख़त्म हो रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जा रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट ए बी सी डी है, तो अल्टरनेट जो है संख्या का जोड़ो, यानी कि ए प्लस सी घटा दो बी प्लस डी को। ठीक है, ये कहता है, तो हमें यही चेक करना है। इसने पूछा है कि 11 से कौन विभाज्य है, तो पहला चेक कीजिए 8 4 और 8 और 7 को, 8 8 16 7 4 11 नहीं होगा, नहीं होगा। अगला चेक करिए 4 3 2 0 को, ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 2 6 और 3 का 3, नहीं ये भी नहीं होगा,
ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 4 4 4 4 1, इसको जोड़ लीजिए, इसको करिए 4 और 1 5, और 4 2 6, ये भी नहीं होगा, 1 आ रहा है, देखो 9 9 18 माइनस 6 और 1, हाँ ये हो रहा है, इसको देखना 9 1 9 6, अगर हम लोग इसको करेंगे तो 9 9 18 हो रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, 18 में 7 गया 11, तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, और जिसमें 11 आ गया 0 आ गया वो विभाजित होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने आज 10 क्वेश्चन किया, और 10 क्वेश्चन जो है आपको कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके बता देना, ठीक है, कमेंट करके बताना। और जो मैंने आज थोड़ा सा ही लिया क्योंकि रात हो चुकी थी, मैं ये अपलोड करूँगा दिन में, कल ज़्यादा रात हो गई मुझे, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए, और 10 क्वेश्चन तक हम लोग निपटा दिए, और हम जो है अब कल से 11 क्वेश्चन से हम जो है 30 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है, हम लोग 20 क्वेश्चन जो पर डे करेंगे। धन्यवाद आपको, अगर आपको पसंद आए कमेंट करें, और बाकी कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं। पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टैक्ट करो, पीडीएफ लो, भर भर के पीडीएफ पढ़ो।